हार्ट अटैक आने से एक पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है। नोएडा में पुलिसकर्मी तैनात था और यूपी उत्तर प्रदेश में का रहने वाला था, और फिलहाल देख सकते हैं करनाल के अमृत धारा हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आपको बता दूं कि हार्ट अटैक आता है नोएडा में, वो तैनात था और 3 दिन पहले ही उनके भाई की डेथ हुई थी और अपने घर छुट्टी पर आए थे, और 3 दिन के बाद आप देख सकते हैं उस पुलिसकर्मी की भी मौत हो जाती है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश से उनको करनाल के अमृत धारा हॉस्पिटल में, एक निजी हॉस्पिटल है, वहां पर इलाज के लिए लेकर आए थे, जहां पर वो भी मृत घोषित कर दिए जाते हैं। फिलहाल परिवार के लोग पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंची है, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, कागजी कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद पुलिस के साथ उनके शव को उनके परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। आप सभी से अपील रहेगी इस खबर को देखने वाले खबर को शेयर अवश्य करें। उत्तर प्रदेश पुलिस मौके पर पहुंची है, कागजी कार्रवाई इनके द्वारा की जा रही है, उसके बाद परिवार वालों को शव उनके घर सौंप दिया जाएगा। हमारे साथ उनके परिवार के लोग भी कुछ मौजूद हैं, उनसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ क्या नाम था इनको और कहाँ पर ये तैनात थे? इनका यौन कुमार था जनाब। जी, कहाँ पर इनकी पोस्टिंग थी? नोएडा में थे, नोएडा, ग्रेट नोएडा। कब हुआ था ये हादसा? इनके बताया जा रहा है इनके भाई की भी पहले, 3 दिन पहले, तीन दिन तीन पहले दिन पहले हार्ट अटैक आने से इनकी मृत्यु हो जाती है, और 3 दिन बाद छोटे भाई का भी हार्ट अटैक आने की वजह से इनका भी, दोनों भाइयों का हार्ट अटैक आने। हाँ जी, दोनों भाइयों की सेम। मैंने सुबह में 4 बजे के आसपास, 4 बजे जी, रहने वाले कहाँ के थे? खालिदपुर, खालिदपुर जिला सहारनपुर, थाना गंगो, थाना गंगो जी। ये नोएडा में तैनात थे, नोएडा में 3 दिन पहले इनके भाई की हार्ट अटैक से। हाँ जी। उनका क्या नाम था? ट्विंकल, तरुण कुमार। उनकी उम्र कितनी? उनकी उम्र होगी 35, 45 के पास। ना ना, 35 साल, 35 साल। और इनकी उम्र? इनकी उम्र होगी 32, 32। पहले भी इनको कोई हार्ट अटैक? ना ना ना, पहले ये तो बहुत मतलब सब सुलझाया था पुलिस में, कई साल से 10-12 साल से ड्यूटी कर रहे थे। किस पोस्टिंग पे तैनात थे? ऐसे वो मतलब थोड़ा बहुत पता नहीं इसके बारे में, कोई बात पुलिस में। सुबह अमृत धारा में लेके आए थे, आज हुई है? आज सुबह 5 बजे। इलाज के दौरान ही मिलेगी? रास्ते में। शादीशुदा थे? एक लड़का है। एक लड़का जी। बिल्कुल, देखिए किस तरह से 3 दिन पहले ही भाई को अटैक आया था और 3 दिन के बाद दूसरे भाई को अटैक आ जाता है। अटैक के कारण दो भाई एक 3 दिन के अंतराल के अंदर ही इस दुनिया से चले जाते हैं। पुलिसकर्मी थे, और आप सभी से अपील, इस खबर को देखने वाले खबर को शेयर अवश्य करें। यौवन देख सकते हैं, जो कि नोएडा में उनकी पोस्टिंग थी, नोएडा में वो तैनात थे पुलिस के पद पर, पुलिस में, और फिलहाल देख सकते हैं उनके शव को जो है आज पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है करनाल के अमृत धारा, करनाल के अमृत धारा एक निजी हॉस्पिटल है, वहां पर उनको इलाज के लिए लाकर आया जाता है, जहां पर वो इलाज दौरान दम तोड़ देते हैं। आप सभी से अपील, इस खबर को देखने वाले खबर को लगातार शेयर अवश्य करें। लाइव तस्वीरें आप करनाल के पोस्टमार्टम हाउस से देख रहे हैं।